नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति की फ्रॉन्क्स और टाटा की पंच के बारे में। हालांकि आप कह सकते हैं कि फ्रॉन्क्स एक अपर सेगमेंट कार है, पर क्वेश्चन तब खड़ा हो जाता है दिमाग में जब कोई ये सोचता है कि मैं फ्रॉन्क्स खरीदूं या फिर टाटा पंच का काफ़ी अच्छा वेरिएंट हमें मिल जाता है, जिसमें आपको तकरीबन सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपका रिदम होता है। हालांकि टाटा पंच की कॉम्पिटिटर तो एक्सर थी, बट सडनली फ्रॉन्क्स आई जिसने बलिनो को कम्पीट करा, ब्रेजा को कम्पीट करा। मार्केट में लोग कन्फ्यूज हैं कि एसयूवी है या क्या है। तो कई बार हो सकता है कि आपका काम टाटा पंच से ही हो रहा हो और आप ज़बरदस्ती 9 लाख रुपये लगाकर फ्रॉन्क्स ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका बजट अच्छा है, आप टाटा पंच गलती से ले रहे हैं, बाद में पछताएंगे क्या फ्रॉन्क्स आपके लिए है। क्योंकि देखिए, मेहनत का पैसा है, लोन वगैरह लेके हम अरेंज करते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और फिगर आउट करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं, कहां पर फ्रॉन्क्स जीत जाती है और कहां पर टाटा पंच जीत जाती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार के प्राइसेस की, जहां पर फ्रॉन्क्स सिग्मा बेस मॉडल आपको 8,40,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाता है, वहीं पर टाटा की पंच आपको 6,70,000 रुपए से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है इतना पैसा फालतू बेस मॉडल में जो फ्रॉन्क्स में जा रहा है, तो मेन हाईलाइट हो जाती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और डीफॉगर, साथ ही में बड़े टायर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। सो ओवरऑल थोड़ी अच्छी लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ऊपर हो जाता है। कार की अगर हम सेफ्टी की बात करें तो फ्रॉन्क्स को नेक्सा ने खुद ही सेल्फ टेस्ट करा था, जिसकी वीडियो उन्होंने ओपनली यूट्यूब पे भी डाली थी। तो उनके अकॉर्डिंगली काफी स्ट्रॉन्ग कार है और कुछ लोग कह देते हैं कि इसको 4 स्टार मान सकते हैं इसका टेस्ट देखने के बाद। वहीं पे कंपैरेटिवली टाटा पंच ग्लोबल एनकैप 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, पर ये पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि अब ग्लोबल एनकैप जिस भी कार में 6 एयरबैग नहीं है उनको 5 स्टार रेटिंग शायद नहीं देगा। सो आप यहाँ पे फिलहाल मान सकते हो कि ये 5 स्टार ग्लोबल एनकैप है। और इसकी वजह से ही मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है कि अगर आप पंच का टॉप मॉडल भी ले लें तो भी आपको 6 एयरबैग नहीं मिलते, उसमें 2 ही मिलेंगे। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स में भी आपको 2 ही मिलते हैं, पर अगर आप टॉप मॉडल्स की तरफ जाते हो तो वहां पर 6 एयरबैग आपको फ्रॉन्क्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा आपके लिए कितना मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेना। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ताकि आप जैसे और भाई जिनको नॉलेज चाहिए इन कार्स के बारे में उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर हम बात करें दोनों ही कार की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो फ्रॉन्क्स में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मानी जा सकती है। कंपैरेटिवली पंच में आपको 187 मिलती है। सो 3 mm को मैं इतना मेजर डील ब्रेकिंग नहीं मानता, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, पर यस ऑन पेपर फ्रॉन्क्स जीत जाती है। कार के अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो डिक्की में सामान रखने के लिए आपको फ्रॉन्क्स में 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कंपैरेटिवली आपको पंच के अंदर 366 लीटर मिल जाता है, बट काफ़ी रिव्यूज मैंने चेक करे हैं तो फ्रॉन्क्स का जो बूट स्पेस है ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि आपने कई बार नोटिस करा होगा कि दो बड़े लगेज रखने के बाद डिक्की में जगह तो होती है, पर जिस तरीके से वो बनी होती है वो स्पेस यूज नहीं हो पाता है। तो फ्रॉन्क्स का जो बूट स्पेस है कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप लगेज रख रहे हो तो काफ़ी आराम से फिट हो जाते हैं, पर ऑन पेपर पंच का ही बूट स्पेस ज़्यादा माना जाएगा अगर आपको ऐसी चीज़ ले जा रहे हो जैसे कपड़े, माल वगैरह कुछ। और अगर हम बात करें कार के इंटीरियर्स की, तो फ्रॉन्क्स में आपको बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी कलरफुल भी लगते हैं। क्योंकि बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो भाई वो कार के लुक्स में काफ़ी 4 चांद ही लगा देता है। कंपैरेटिवली पंच के इंटीरियर्स आपको थोड़े से मिनिमल मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर और वाइब्रेंट नहीं है, बट यस हम कह सकते हैं कि कार चलाने के हिसाब से काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी देखने में। अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के इंजन की, तो यहाँ पे 1200 ड्यूल जेट VVT इंजन आपको मिल जाता है। कंपैरेटिवली पंच में भी आपको 1200 सीसी का रेवोट्रॉन इंजन मिल जाता है। फ्रॉन्क्स का इंजन 89 BHP की पावर जनरेट करता है और 113 Nm टॉर्क आपको दे देता है। कंपैरेटिवली पंच की पावर जो है थोड़ी सी कम है, 87, और जो टॉर्क है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 115। पर अगर आप नोटिस करोगे इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा ड्राइविंग करने पे एक यूनिक फीलिंग आए। कई बार नोटिस करा गया है कि फ्रॉन्क्स का जो इंजन है लोगों को काफ़ी स्मूथ लगता है एज़ कम्पेयर टू पंच, तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, आप जाकर दोनों ड्राइव करके देखना। किसी की बातों में आकर अपने आप डिसीजन मत ले लेना कि यस कि टाटा पंच का इंजन आपको बहुत खराब लगा। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जाना, और अगर नहीं लगता है, आपको नहीं नोटिस होता है, तो बिल्कुल सही आप पंच की तरफ जा सकते हैं। अगर हम बात करें कार के टायर साइज की, तो फ्रॉन्क्स में आपको 16 इंचेस का अलॉय मिलता है। कंपैरेटिवली पंच के हायर वेरिएंट्स में आपको 16 मिलेगा, अदरवाइज आपको 15 इंचेस का अलॉय मिलेगा। अगर हम बात करें कार के डायमेंशंस की, तो लेंथ वाइज फ्रॉन्क्स है 3995 एंड 3827 टाटा पंच हो जाती है यहाँ पे। विड्थ की अगर हम बात करें, जो आपकी हो जाती है चौड़ाई, 1765 मिलती है आपको फ्रॉन्क्स के अंदर, और पंच में आपको मिलती है 1742। और अगर हम हाइट की बात करें तो 1550 mm आपको मिलती है फ्रॉन्क्स में एंड 1615 आपको मिलती है पंच के अंदर। देखो प्राइमरी अगर मैं बात करूँ, लेंथ में भी एक बार को आपको इतना नोटिस नहीं हो पाएगा, पर जहाँ पे अगर हम बात करें कार की हाइट की, तो ये बिल्कुल नोटिसेबल है, क्योंकि पंच देखने में थोड़ी सी ऊंची लगेगी आपको एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, जिस वजह से थोड़ी सी बड़ी लगती है। पर कंपैरेटिवली जो इनर स्पेस है पेपर वाइज ऑन नंबर अगर हम बात करें तो फ्रॉन्क्स में ही आपको ज़्यादा मिलेगा।
कई लोगों ने नोटिस करा है क्योंकि फ्रॉन्क्स कूपे स्टाइल है तो पीछे से थोड़ा सा कम स्पेस मिल पाता है हेडरूम की अगर हम बात करें, वो सब्जेक्टिव है। एक बार आप दोनों कार्स के अंदर बैठ कर देख लेना, जैसा आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला ले लेना। यहाँ पर व्हील बेस फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 2520 और पंच में आपको मिलता है 2445। ये डिफरेंस जो लेग रूम आपको मिलता है कार के अंदर बैठने के बाद वहाँ यूटिलाइज होता है। व्हील बेस प्रैक्टिकली मतलब होता है कि फ्रंट टायर का सेकंड टायर से जो डिस्टेंस होता है उससे ही डिसाइड होता है कि कार कितनी स्पेशियस आपको लेंथ वाइज स्पेस देगी लेग में। एट लास्ट अगर माइलेज की बात करें तो फ्रॉन्क्स की ऑन पेपर 21 बोली जाती है और पंच की 20। सो मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं, ये दोनों ही कार्स 1.2 लीटर की है, तकरीबन सेम वेट और डायमेंशंस भी है इनके, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर कोई डिफरेंस आपको लगेगा भी तो 1 या 2 किलोमीटर का ही होगा, तो ये तो मेजर मैं नहीं मानता हूं। तो माइलेज के मामले में आप दोनों में से कोई भी कार बिल्कुल ले सकते हैं। सो हमने सारे मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको थोड़ा रियलाइज हुआ होगा कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल ओपिनियन देने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर सेफ्टी ही आपके लिए मैटर करता है तो हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है क्योंकि मारुति नेक्सा ने अपना टेस्ट किया था और उसको कोई रैंक नहीं मिला है ग्लोबल एनकैप से या किसी भी और एनकैप से। कंपैरेटिवली टाटा पंच जो है वो ग्लोबल एनकैप 5 स्टार आती है ओल्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने मन बना रखा था कि आपको 5 स्टार रेटेड कार ही चाहिए तो आप बिल्कुल पंच की तरफ ही जाना, आप एक्सरे की तरफ मत जाना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक केयरफुल ड्राइवर हैं और थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट देखने के बाद कि हो सकता है इसको 4 स्टार तो मिल ही जाए। साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आपका प्राइम कंसर्न माइलेज ही है तो देखो इस बजट में जहां फ्रॉन्क्स लोगे टाटा पंच CNG भी आपको मिल सकती है और CNG में आप काफी पैसा बचा सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा जो है टॉर्क को कम करता है, पिकअप को कम करता है, बट इफ दैट डज नॉट मैटर टू यू तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं, थोड़े से प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस है, आपको बिल्कुल समझ में आता है कि पेपी इंजन क्या होता है, थोड़ा पावरफुल इंजन क्या होता है और लेस नॉइस एंड ऑल, तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जाना क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको जो है ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप न्यू ड्राइवर है, फैमिली के लिए कार ले रहे हैं और आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पेपी इंजन ऑल वाली चीज से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पंच ड्राइव करना। इवन आप दोनों ही कार चलाकर देखना, उसके बाद आपके लिए डिसाइड कर पाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्पेस की तो टेक्निकली फ्रॉन्क्स का स्पेस ज्यादा है, पर उसका जो स्लोप है पीछे का वो थोड़ी कूपे स्टाइल है, तो उस वजह से कई लोगों को लगता है कि वहां पे स्पेस कम है, थोड़ा सा हेडरूम का माइनर इशू आता है। तो वो आप देख लेना कि आपके लिए वो कुछ मैटर करता भी है नहीं करता। कंपैरेटिवली पंच में आपको क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है तो SUV टाइप मोर फीलिंग दे देती है आपको, और सब कुछ ऊंचा ऊंचा लगता है और लोग कंफर्टेबली बैठते हैं तो उनको एक ब्रीदिंग कैबिन मिलता है, किसी भी तरह का यू नो फोबिया टाइप फील उनको नहीं होता है। दोनों ही कार्स काफी अच्छी है अपने अपने हिसाब से, इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि हमने डिस्कस भी करा था, अगर आप फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल लेते हो तो वो काफी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा भी देता है वहां पे। कंपैरेटिवली अगर वो चीजें आपके लिए नहीं है, आपको ज्यादा फीचर से मैटर नहीं करता टायर एंड ऑल और ये सब चीजें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एक्सेट्रा, तो आप उसको वहां पे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं और टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम इसको किसी वेरियंट वाइज भी कंपेयर करें तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कोई भी चीज आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।